हैशटैग रत्ना डिस्ट्रीब्यूटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाइट। अमेजोन फायर टीवी स्टिक में चार से पांच मॉडल आते हैं। सबसे फर्स्ट ये लाइट मॉडल आता है, सबसे बेसिक, फिर थर्ड जनरेशन, फिर 4K मैक्स करके। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाइट वाला मॉडल, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है और क्या प्राइस है इसका। नॉर्मली अमेजोन पे प्राइस आता है 3000 रुपीज, 2999 रुपए, 2099 रुपीज। और इसके अंदर हम नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो स्टिक है, रिमोट है, फिर इसके यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट्स इंक्लूडेड, अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाइट, एलेक्सा वॉइस, रिमोट कंट्रोल, AAA बैटरीज, पावर एडेप्टर, यूएसबी केबल, HDMI एक्सटेंडर केबल। चलो देखते हैं अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले इसके अंदर आती है अमेजोन फायर टीवी स्टिक, देन उसके बाद आती है एक पावर केबल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। देन उसके बाद आता है एक अमेजोन का वॉइस रिमोट। ये अमेजोन फायर टीवी स्टिक 2022 वाली है, इसके अंदर ये चार बटन एक्स्ट्रा आते हैं। बाकी प्रीवियसली जो आती थी उसमें ये बटन नहीं आते थे, खाली यहाँ तक ही आता था। तो आप जो भी खरीदे, लेटेस्ट मॉडल खरीदे जिसमें ये चार बटन भी आए। देन उसके बाद आती है HDMI एक्सटेंडर, बहुत सारी टीवी में इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, देन इसकी दूसरी साइड में हम देखेंगे, ये पूरा हमने बाहर निकाला, फिर इस जगह पे आता है, हमें मिलेगी दो बैटरीज, दो AAA सेल अमेजोन बेसिक्स के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेल होते हैं ये अमेजोन बेसिक्स। ओके, देन उसके बाद यहाँ हमें मिलता है एक पावर एडेप्टर अमेजोन का, अमेजोन की जिसपे ब्रांडिंग है बहुत अच्छी, एकदम क्यूट सी। और हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, फायर टीवी स्टिक का यूजर मैनुअल। ओके, जिसके अंदर सब हमें बता रखा है कि कौन सी बटन क्या है। चलो हम अब ओपन करते हैं रिमोट। रिमोट के अंदर जो सेल लगेंगे वो है AAA, हम इंसर्ट करते हैं। रिमोट के जो बटन है ये वॉइस कमांड का बटन है, ये नेविगेशन के, ये ओके करने के लिए, ये होम बटन, ये सेलेक्ट करने के लिए, ये बैक का, ये राइट का, ये लेफ्ट राइट प्ले पॉज, देन ये होम स्क्रीन के लिए। और आपको अगर प्राइम वीडियो पे जाना है तो डायरेक्ट इस बटन से जा सकते हैं, नेटफ्लिक्स में जाना है तो डायरेक्ट इससे, अमेजोन बेसिक्स एप्स सब ऑप्शन है। अब हम खोलते हैं फायर टीवी स्टिक, अब हम इसे लगाएंगे हमारी LED पे। LED के अंदर लगाने के लिए आपको करना है सर, सबसे पहले जो आपका LED है उसके पीछे, जैसे हमारे यहाँ पे मेल फीमेल एक्सटेंशन पहले से लगा हुआ है, तो ये हमने डायरेक्ट फायर टीवी स्टिक डाल दी। बाकी आपकी टीवी में आप वो मेल फीमेल एक्सटेंशन यूज करके ये लगा लीजिएगा। देन आपको मिलती है एक पावर केबल, पावर केबल को आप एडेप्टर के थ्रू भी लगा सकते हैं और विदाउट एडेप्टर भी लगा सकते हैं। ये इसके अंदर अपने लगाया पावर का सोर्स, और ये डायरेक्ट अपना टीवी के ऊपर पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन होता है, इसको एज अ पावर भी हम यूज कर सकते हैं। बस ये लग गया। अब टीवी में हम सेलेक्ट करेंगे इनपुट 1 2 वॉट एवर HDMI 2, जैसे सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही लगेगी यहाँ पे ऑन होते में अमेजोन फायर टीवी स्टिक आ जाएगा। ये हमारा रिमोट, अब जैसे ये ऑन होगी, ऑन होने के बाद ये ऐसी स्क्रीन आएगी फायर टीवी करके, फायर टीवी आ गया। सबसे पहले आपको जो प्रेस करना है इसके अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। फायर टीवी ऑन हो रही है, ये आ गया, लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद ये चालू होगी हमारी अमेजोन फायर टीवी स्टिक। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन आएंगे कि हमें कौन सी बटन सबसे पहले प्रेस करनी है रिमोट के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैप टू होम टू पेयर, तो होम की जो बटन है वो हम दबा देंगे। जैसे ही होम बटन दबाई 7 सेकंड के लिए ये ऑन हो गया। देन उसके बाद प्ले पॉज की बटन, ये दिया हुआ है प्ले पॉज की बटन, ये दबाई, बस ये आ गई लैंग्वेज। जब आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपने कर ली, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। ओके, अब यहाँ आ गया सेटअप विद रिमोट, डन। अब जो भी लेटेस्ट अपने घर का वाईफाई है या ऑफिस का जो भी आपका वाईफाई है उन सबका नाम आ जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे जो वाईफाई है वो है मास्टेल, मास्टेल हमने किया, इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, ये कनेक्ट।
कनेक्ट जैसे ही हो जाएगा सबसे पहले ये फायर टीवी स्टिक अपडेट होगी, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये अपडेट होगी। अब जैसे अगर आपने कहा से परचेज किया और थोड़ा पुराना मॉडल है तो वो अभी उसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नेट से कनेक्ट करके आप उसे छोड़ दे। अभी जैसे ये नेट से कनेक्ट हो रही है, जैसे ही कनेक्ट होगी वो अपडेट होगी, अपडेट तक हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यही फायर टीवी स्टिक की खासियत है कि ये स्टिक अपडेट होती है। बाकी जैसे हम नोकिया और इनके नॉर्मल जैसे आप बॉक्स लेते हैं एमएक्स क्यू प्रो के, ये वाले ये जो बॉक्स होते हैं ना सर, ये कभी अपडेट नहीं होते। जैसे आपने 216 का लिया या 432 का लिया, तो ये बस जो इसका वर्जन है ये उसी में रहेंगे, कभी भी अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं अमेजोन फायर टीवी स्टिक ज्यादा प्रीफर करता हूँ। ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है गाइज। अब आप देखिए जैसे ये ऑन होगा, कनेक्शन होने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स, जैसे ये इसका जो भी अपडेट होगा वो अपडेट होगा। अब ये डाउनलोड द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, अब ये डाउनलोड होगा सर, ठीक है। अभी जो हम देख रहे थे लास्ट, वो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट अपडेट हो रहा था, वो सॉफ्टवेयर जैसे ही लेटेस्ट वाला अपडेट हो गया, देन उसके बाद ये अपडेटिंग करके आएगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल हुआ है उसको अपडेट भी होना पड़ेगा। तो ये अभी अपडेटिंग चलेगी, सबसे पहले उसके अंदर वो डाउनलोड होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो डाउनलोड होता है, देन उसके बाद ये अपडेटिंग होती है। तो वो अपडेट जब तक हो रहा है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है, प्लीज डू नॉट अनप्लग द पावर केबल ड्यूरिंग द अपडेट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अनप्लग नहीं करना है जब तक ये अपडेट हो रहा है तब तक। ओके सर, गाइज ये अभी हम देख सकते हैं, जैसे ही वो पूरा अपडेट हो गया उसके बाद ये आ रहा है यूएसबी पावर इनसफिशियंट। और इसमें क्या लिख के आ रहा है कि जो हमने इसको एलईडी से कनेक्ट किया ना, एलईडी के थ्रू पावर दिया है, तो वो उसको ना बोल रहा है। कभी कभी ऐसा दिक्कत आ जाता है कि एलईडी के थ्रू जो पावर दे रहे हैं वो इनसफिशियंट है, जो अमेजोन बोल रहा है कि हमने जो आपको एडेप्टर दिया है फायर टीवी स्टिक के साथ, आप उसी को कनेक्ट करके और पावर सप्लाई दो। तो आप हम क्या करेंगे, बस इसको निकाल देंगे यहाँ से जो पावर दे रखा है वो, और हम एडेप्टर के थ्रू इसे पावर दे देंगे। ये एडेप्टर हमने लगाया और ये एडेप्टर को हमने खींचा और यहाँ पे हम इसे पावर दे देंगे। ये पावर हमने दी इसे, अब ये ऑन हो गया वापस से और फायर टीवी स्टिक चालू हो गई। बाकी ऐसा होता नहीं है, आई हैव सोल्ड मोर देन 1000 ऑफ पीसेस, ये प्रॉब्लम आती नहीं है कभी, बट अभी आ रही है तो हम जैसा वो बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन हमको दे रहा है, हम वैसा कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने कर लिया सर, अब हम देखते हैं, इसको अपडेट कर दिया। ये अपडेट होना बहुत मस्ट है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये बटन प्रेस करो, ये हमने प्रेस की, लैंग्वेज इंग्लिश, बस अपडेट हो गया, चेकिंग फॉर अपडेट्स वापस आ रहा है ये, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, अभी पावर हो ऑफ होके ऑन हुआ है। यस गाइस, जैसे ये चेकिंग फॉर द अपडेट हो गया, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हैव एन अकाउंट साइन इन न्यू टू अमेज़न। जैसे अगर अपना अकाउंट है, अकाउंट इसमें वही होता है जो अपना मोबाइल हम परचेस करते हैं ना, जो भी चीज हम परचेस करते हैं वही अकाउंट आपको इसके अंदर डाल देना है, बस अब कुछ नहीं करना है। साइन इन ऑनलाइन दो तरीके, साइन इन विद क्यूआर कोड, अपने क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन करो, स्कैन करने के बाद वो एक कोड मांगेगा, उस कोड के अंदर आप ये डाल दो E337BD, बस ये डालते में ही आपको पासवर्ड पूछेगा और ऑटोमेटिक ये साइन इन हो जाएगा। अब इसको और आगे अपने को कैसे चलाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू गाइस।